नमस्कार दोस्तों, विज्ञान मेला 2019 का आयोजन यूनिसेफ के द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय तड़वा में किया गया। इस अवसर पे प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी जी का वहां जाना और छात्रों के बीच छात्रों का मनोबल बढ़ाना ये काफी रोचक रहा। दोस्तों कहते हैं कि छात्र इस देश के भविष्य होते हैं और छात्रों के प्रोजेक्ट को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि देश का भविष्य सुनहरे हाथों में है। प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी जी ने आगे कहा कि बच्चे जो है देश निर्माण में प्रमुख कड़ी है और उनका भविष्य अगर अच्छा हो तो इस पूरे भारत का भविष्य अच्छा हो जाएगा। और वहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की संख्या थी, बहुत सारे लोग एक साथ पहुंचे थे इस पूरे मेले में। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं पीरपैंती प्रखंड के प्रमुख रश्मि कुमारी जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि साइंस का यहाँ पे जितना प्रोजेक्ट लगा उसको देख के आपके भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? जी बिल्कुल, याद ताज़ा हो गई, बहुत ही अच्छा लगा हमारे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने एक से एक विज्ञान को प्रस्तुत किया, इस तरह से प्रस्तुत किया कि मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने, आप सबों ने देखा, मैंने भी देखा और यहाँ के टीचर ने भी सजग रहे और काफ़ी हद तक बच्चों ने मेहनत किया है। इस तरह के आयोजन जब होते हैं सरकारी स्कूलों के, यहाँ पे बच्चे इतने दूर दूर से आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हुए थे, इस तरह के आयोजन से बच्चों का कितना विकास होता है, आपको क्या लगता है? बहुत ही विकास होता है बच्चों का और आगे भी होना चाहिए, हो ही रही है। मैं यहाँ से भी मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो चुन के जिला में जाएं वो भी टॉप पे करें और नेक्स्ट टाइम भी 3 प्रखंड के स्कूलों में किया है हमारे बच्चों ने और आगे भी इस बार भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पीरपैंती प्रखंड के प्रमुख। आपने सुना कि किस तरह से आज के बच्चों में जो साइंस के प्रति रुझान बढ़ रहा है उसके विकास के लिए जो सभी लोगों की इसमें भूमिकाएं हैं, जनप्रतिनिधि की भी अपनी भूमिका होती है और इसमें ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।